Hey everybody, कैसे हम सब? I hope everyone's feeling fine. तो आज का जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है. हमें जो रोज़ सुनने को मिलता है वो टॉपिक, और वो टॉपिक है कि क्या जो बनानास हैं वो हमें फैटी करते हैं, बनानास से हमें क्या मोटापा आता है. तो ये वीडियो के बारे में आज मैं बताऊंगा. का मेरा मन इसलिए किया कि ऑलमोस्ट एक आधा दिन छोड़ के यहाँ मुझे कोई ना कोई पूछ ही लेता कि सर क्या बनाना से हमें फैट आ जाती है, क्या बनाना से हमें मोटापा आता है. तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि कहाँ से ये लोग जो है स्टूपिड जो मेंटेलिटी लेके आते हैं कि फ्रूट खाने से उनको जो है फैटी हो जाएंगे वो लोग. मतलब कुछ भी आप लोग कोई कुछ भी कह दें बस उसे मान लेते हैं आप लोग और उस हिसाब से चलने लग पड़ते हैं. पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी फ्रूट आप खाएं उनमें फैट 1 ग्राम से भी कम होती है, कईयों में हो सकता है 1-2 ग्राम हो, पर ऑलमोस्ट जो जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें पॉइंट कुछ फैट होती है. जैसे बनानास में आई गेस 0.3 to 400 milligrams फैट है एक बनाना. तो वो कैसे आपको एक बनाना खाएंगे तो वो कैसे आपको फैट कर देगा, उसमें तो फैट ही नहीं है. हाँ, अगर बनाना की बात करें तो एक बनाना में नियर अबाउट जो मीडियम साइज़ से लेकर लार्ज का होता है उनमें 100 to 130 कैलोरीज होती हैं, 100 से लेकर 130 कैलोरीज. तो हाँ, अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप जो है फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहता कि अगर आप पतले होना चाहते हैं तो आप बनाना मत खाएँ. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कैलोरीज़ को आप जब मेंटेन करते हैं तो आप उसमें बनानास भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कीवी भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं. उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को तो आप लोग पढ़ें कि एक बनाना में या एक एप्पल में कितनी कैलोरीज हैं या कितने ग्राम फैट हैं. तो मान लीजिए एक बनाना में अगर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं 100 कैलोरीज है, 100 कैलोरी है, तो अगर आपकी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो है 1800 के करीब, तो अगर आप एक बनाना खा भी लेंगे तो तब भी आपके पास 1700 कैलोरीज अभी भी बची हैं. ये नहीं कि आप अगर बनाना खा लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे. अगर मान लो आपकी 1800 कैलोरीज हैं और आपने 5 बनानास खा लिए तो वो हो गई नियर अबाउट 500 से लेकर 600 के करीब जो कैलोरीज जो हैं वो आपको बनाना से मिल गई. तो 1800 में से 500 गया तो 1300 बच गया. 1300 कैलोरीज को आप कैसे लेंगे वो डिपेंड करता है. मान लो आपने कैलोरीज ली ज़्यादा, बनानास भी खा लिए और कैलोरीज भी ज़्यादा लिए, तो ऑब्वियसली कैलोरीज ज़्यादा हो गई तो आपका जो वेट जो है वो अप जाएगा. तो इस हिसाब से आप जो है फ्रूट्स को ऐड करें. फ्रूट से कोई भी परहेज ना करें. फ्रूट में फ्रुक्टोज है जो अच्छा है हम लोगों के लिए, एनर्जी है, ग्लूकोज है उनमें, एनर्जी देता है, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम जो है उसे अच्छा करते हैं फ्रूट्स. फिर स्किन हमारी जो है, फिर उनमें विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं उनमें. कुछ फ्रूट्स में मिनरल्स ज़्यादा हैं, कुछ में विटामिंस ज़्यादा हैं. तो मैं ये कहूँगा कि आप जो इस वहम से बिल्कुल दूर हो जाएं कि एप्पल या बनाना, खासकर लोग बनाना की बात करते हैं कि बनाना तो हमें मोटा कर देगा. कैसे मोटा कर देगा भाई? अगर आपकी कैलोरीज ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली कुछ और वजह होगी मोटापे की, फ्रूट्स वो वजह नहीं है. तो एक बनाना की और बात करना चाहता हूँ. अगर कोई मेरा भाई पतला है और वो वेट गेन करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो जो भी खाता है उसके अंदर, वो जितना भी खा रहा है उसके अंदर अगर वो 4 to 5 bananas रोज़ ऐड कर ले अपनी डाइट में तो उसकी जो है 400 to 500 कैलोरीज अप हो जाएंगी डेली और वो स्लो एंड स्टडी वेट गेन करना शुरू कर देगा. तो ये थी मेरी बनाना के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कि अपने दिमाग में से निकाल दें कि जो बनानास हैं वो आपको फैटी बनेंगे. ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी कैलोरीज की तरफ ध्यान दें. ये जो बेतुकी बातें हैं जो लोग बोलते हैं कि ये बनाना फैट कर देगा, ये कहाँ से लोग, तो कैसे लोग ये जज कर लेते हैं कि बनानास वो आपको फैट कर देंगे. तो ये थी मेरी वीडियो आज की गाइस. और कोई सुझाव, कोई कमेंट, कोई वीडियो किसी भी टॉपिक पे आप देखना चाहते हो मुझे बताने के लिए,
तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा. और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो. साइनिंग आउट, गुड नाइट.